हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। आज एनसीईआरटी क्लास सिक्स चैप्टर टू को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर वन को देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप चैप्टर फर्स्ट को देखें। उससे क्या होगा, आपको चैप्टर टू समझने में आसानी होगी और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो सबसे पहले आज इस चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर टू ग्लोब, जिसमें हम देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ हम इसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहला इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब क्या है? देखिए, ग्लोब स्फेरिकल मॉडल है एक अर्थ का। ठीक है, जो हमारी अर्थ है उसका एक स्फेरिकल मॉडल है, जिसके ऊपर कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और ओशन को करेक्ट साइज़ में डिनोट किया गया है या प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये हम देखते हैं कि जो ये हमारा अर्थ का एक स्फेरिकल मॉडल बना हुआ है, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ये ओशन और ये सारी चीज़ प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए, अर्थ पे कोई भी लोकेशन डिनोट करने के लिए, कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस को ज्योग्राफर ने डिफाइन किया है, ज्योग्राफर ने बनाया है, ताकि हम किसी लोकेशन को अच्छे से इजीली फाइंड किया कर सकें। राइट, अब देखिए जो ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के देखेंगे कि ये जो दो पॉइंट पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस दो पॉइंट पर ये ग्लोब जो है हमारा फिक्स है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला देते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू जो अर्थ है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, इस इमेजिनरी लाइन को ही एक्सिस कहलाते हैं। ठीक है, अब इस इमेजिनरी लाइन्स के जो साउथ में पॉइंट है और एक नॉर्थ में पॉइंट है, इस नॉर्थ वाले पॉइंट को जो है नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, और साउथ में जो ये पॉइंट है इसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, नॉर्थ पोल जो है इसकी ये डिस्कवर किया था, ये है रॉबर्ट पियरी ने जो है इसको डिस्कवर किया था, और जो साउथ पोल है इसको डिस्कवर किया था जो है रोआल्ड एमंडसन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर भी मैंने अभी बताया कि इमेजिनरी लाइन्स बहुत सारी ड्रॉ की गई थी। अब इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन्स है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसमें जो नॉर्दर्न साइड होता है इक्वेटर के उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और जो सदर्न साइड है उसको जो है साउथ हेमिस्फीयर बोला जाता है। इसको हिंदी में उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब ये देखते हैं कि जो ये हमारा इक्वेटर, इसमें देखते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर को जीरो डिग्री से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऊपर जितना भी पोर्शन है ये सारा ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाएगा, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेटर है ये सबसे बड़ा सर्कल भी बनाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम इस पर देखते हैं कि इसके अलावा, इक्वेटर के अलावा और भी इमेजिनरी लाइंस है, वो क्या है? वो एक है लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। देखो, लैटिट्यूड की बात करते हैं कि जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस जा रही होगी वो सारी हमारी लैटिट्यूड कहलाएंगी, और जो लाइन इक्वेटर को इक्वेटर के वर्टिकली होंगे, ठीक है, जो उसको हम जो है क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड कहेंगे। जैसे ये हो गया लैटिट्यूड और ये हो गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इस पे दो लाइंस हैं, इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करने के लिए इन लेमैन लैंग्वेज में हम ये देखते हैं कि जो लाइन लेटी हुई है या पड़ी हुई है इसको लैटिट्यूड कहते हैं, जो खड़ी है, खड़ी लाइन, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब देखिए, लैटिट्यूड को जो है पैरलस भी कहा जाता है, पैरल लाइन भी कहा जाता है, और जो लॉन्गिट्यूड है उसको जो है मेरिडियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, इसको मेरिडियन और इसको पैरल लाइन ये भी कहा जाता है। अब देखिए कि जो ये हमारा जो पैरेलल लाइंस हैं, इस पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इसमें देखिए कि अब एग्जैक्टली ये लाइन जो इस पर कोई पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें जो है लॉन्गिट्यूड भी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो लैटिट्यूड है इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड में है उसको एन से डिनोट करते हैं, जो साउथ में है उसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या है कि जो लॉन्गिट्यूड है वो सारी इक्वल लाइंस होती है, उसकी जो लंबाई होती है जो सारे इक्वल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन लैटिट्यूड सारे इक्वल नहीं होते, वो जो
इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होता है, उसके ऊपर जाएंगे सब छोटे छोटे सर्कल होते हैं, फिर उसमें पोल्स पे जो मिल जाती है सारी। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सारी इक्वल लाइंस होती हैं, जिसकी वजह से इनको जो है कहाँ से काउंट करें ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि इनको नंबरिंग कैसे करें। तो सारी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि जो मेरिडियन या जो लॉन्गिट्यूड जो है ग्रीनविच से पास हो रही है, या इसको जो कह सकेंगे जो ब्रिटिश के रॉयल ऑब्जर्वेटरी में जो लोकेटेड हैं ग्रीनविच, वहाँ से जो भी पास हो रही है मेरिडियन, उसको हम जो है सबसे पहला मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन का नाम देंगे, जिसको जो है 0 degrees से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या हुआ कि जो ग्रीनविच से पास हो रही है उसको जो है प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसको जो है 0 degree का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये हमारा मैप है, इस मैप में हम ये देखेंगे कि जो प्राइम मेरिडियन ये है, इसको 0 degree से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके जो इस साइड में है इसको ईस्टर्न नाम दे दिया, इसके जो वेस्ट साइड में इसको डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब के ईस्ट साइड में जाएंगे तो हमारे जो टाइम जो है प्लस में हो जाता है, यानी कि टाइम को हम ऐड करते हैं, और वेस्ट साइड में अगर जाएंगे तो इसको माइनस कहते हैं। ठीक है, सपोज अभी हम इस वाले मैप में ये देखते हैं कि ये जो 10 degree 15 degree ये डिग्रीज दे रखे हैं, इसमें हम अगर देखिए ये अर्थ जो है हमारा 24 घंटे में 360 degree मूव करती है, तो क्या मतलब हो गया, इसको हम देखेंगे कि 1 hour में 15 degree और 4 minute में 1 degree मूव करेगी। इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते कि 360 मूव करने में 24 hours लगते हैं। ठीक है, तो इसको जो है अगर हम इंटू कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 360 तो ये 1 degree की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको जाएगा 1 degree की वैल्यू जो है 4 minute आता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम इस अर्थ के ऊपर अगर हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो ये टाइम बढ़ेगा, और इसकी वेस्ट की साइड जाएंगे तो टाइम घटेगा। इट मींस अगर हम 15 degree सपोज प्राइम मेरिडियन पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं, तो अगर इसके ईस्ट साइड में 15 degree जाएंगे तो क्या होगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा, 15 degree में 1 घंटे होते हैं, तो ईस्ट साइड में 15 जो डिग्री होगी वहाँ पे टाइम होगा दिन के 1 बजेंगे। अगर हम वेस्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे 1 घंटा कम हो जाएगा 15 degree से, 15 degree इक्वल टू 1 hour, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 दिन के बजेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हमने देखिए, इसके अलावा हमने देखा कि इस पे बहुत सारी और भी इमेजिनरी लाइंस है, और कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 degree नॉर्दर्न साइड में जो है एक लाइन पास होती है इक्वेटर के पैरेलल, उसको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और सदर्न साइड में जो जाती है 23.5 degree में, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया है इसको जो है टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया में सनलाइट जो है यहाँ से अगर पड़ती है तो ये पूरा ओवरहेड मतलब पूरा सिर के ऊपर जो है पूरे साल में यहाँ पे रहती है, जिसमें मैक्सिमम हीट आता है, जिसकी वजह से इस जोन को टॉरिड जोन बोला जाता है। ठीक है, अब 66 degree में हम ये देखते हैं कि एक लाइन और जाती है नॉर्थ में, उसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, और इसी तरह जो है 66.5 degree में साउथ में जो जाती है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये एरिया है, और इधर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो लाइन ये जो एरिया है, इन एरिया को जो है हम टेम्परेट जोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज जो है पूरा डायरेक्टली नहीं पड़ती है, और यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम होता है, मॉडरेट होता है, जिसकी वजह से इस जोन को टेम्परेट जोन कहते हैं। ये इसमें इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साउथ पोल में इस एरिया और ये जो एरिया है आर्कटिक सर्कल के ऊपर और पोल तक, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल के से पोल तक, साउथ पोल तक, ये जो एरिया फ्रीज्ड जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल नहीं पहुँचती है, पूरे सालों साल यहाँ पे क्या होता है ठंड होती है और कोल्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीज जोन कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो है
जो अभी हमने बात किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के इंडिया से पास होती है, और इंडिया के पास होती है कौन कौन से स्टेट से पास होती है, ये 8 राज्यों में, जैसे ये देखते हैं कि 8 राज्यों के थ्रू 8 स्टेट के थ्रू ये पास होती है, और ये 8 स्टेट कौन से है, ये मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। इसको लर्न करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ये है कि जो है इस जितने भी स्टेट हमने नाम लिए इनके पहला अक्षर, पहला लेटर को अगर हम लेते हैं तो ये एक ट्रिक बनता है, केवल झारखंड में झार 2 लेटर लेते हैं, इससे क्या होगा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बन के आती है, वो है मित्र पर घमचा झाड़, ठीक है। तो इससे क्या होगा मित्र पर घमचा झाड़, इससे आप जो है ये इजीली इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी ट्रिक इसको लर्न करने की वो है कि मेरा एक लड़की है जिसकी जेसीबी जो मिट्टी खोदने वाली होती है, जेसीबी उसकी जो जेसीबी वो जीएमटी पर है, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो जितने भी ये हमारे स्टेट हैं इनके जो पहले एक एक लेटर या दो दो लेटर हम लेके जो है इसको एक ट्रिक बनाया कि मीरा की जेसीबी जीएमटी पर है, मीरा की जेसीबी ग्रीनविच मीन टाइम पर है, ठीक है। तो MI से हो गया मिजोरम, RA से राजस्थान, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से बंगाल, और G से गुजरात, M पर मध्य प्रदेश, एंड T पर त्रिपुरा, ठीक है। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है इंडिया से, ये इसके 2 ट्रिक्स होंगे। अब देखिए कि अभी हमने एक बात किया था कि जो है इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं कि जो हमारी टाइम जोन है कि 360 डिग्री मूव करती है 24 घंटे में, ठीक है। तो अगर हम इसके ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो हमारा टाइम बढ़ती है, इससे वेस्टर्न साइड को जाते हैं टाइम घटती है। तो सपोज़ अगर हम दिन के 12 बजे प्राइम मेरिडियन पे अगर 12 बज रहे हैं, तो अगर इसके ईस्ट साइड में 15 डिग्री जाते हैं तो क्या होगा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता, तो यहाँ पे जो है 15 डिग्री पे हमारा टाइम हो जाएगा दिन के 1 बजेंगे। इस तरह अगर वेस्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे जो है 15 डिग्री पीछे जाएंगे वेस्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 AM होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 PM होगा और यहाँ पे 11 AM होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं ईस्ट साइड में जा रहे तो टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ऐसे अगर इसी तरह अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे अगर हमारा 10 बज रहे हैं, सपोज़ 10 बज रहे हैं, तो इसी को रेफरेंस देके 0 डिग्री है और इसके वेस्ट साइड में 30 डिग्री यहाँ पर अगर 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो इसके यहाँ पे ईस्टर्न साइड में 30 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा होगा ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि इस 30 डिग्री देखो यहाँ से ये 30 डिग्री है, यहाँ से ये 30 डिग्री, तो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री अगर होगा तो 60 डिग्री हमारा 4 घंटे के बराबर होगा, क्योंकि 15 डिग्री में हमारा 1 आवर होता है, तो 4 घंटे। तो अगर 10 यहाँ पे बज रहे हैं तो फिर क्या होगा, इससे 4 घंटा आगे बढ़ा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 2। तो हमने देखा कि अगर वेस्ट साइड में कोई भी हमारा टाइमिंग दे रखा है तो हमारा इसका ईस्ट साइड में इसकी आगे की टाइमिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी के रेफरेंस में हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा इंडिया है, इतना बड़ा कंट्रीज हैं, इसमें देखिए अगर 68.7 डिग्री है, 97.7 ये है, इनके बीच में इतना डिग्री का अंतर है, और ये अंतर अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 45 मिनट की ही डिफरेंस है, ठीक है, अप्रॉक्स में। अब देखिए कि इस तरह से क्या होगा कि अगर 15 यहाँ से 15 डिग्री अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे 1 घंटे का फर्क आएगा, फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो इस तरह से क्या होगा कि ये डिफरेंस आता है। तो हर कंट्री अपनी एक लोकल टाइम डिफरेंस को जो है सॉल्व करने के लिए एक जो है कॉमन जो है या स्टैंडर्ड कॉमन कहो या स्टैंडर्ड जो है टाइम जो है फ्रेम डिसाइड किया, जिसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंडियन का जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है वो जो है 82.2 डिग्री से जो जारी है उसको हमने डिसाइड किया कि यहाँ से जो भी जो लाइन जाएगी और उस लाइन पे जितना भी टाइम होगा उसको जो है हम स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड जो टाइम है ये जो है इन राज्यों से होके जाती है, UP, MP, छत्तीसगढ़, उज्जैन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो इस चैप्टर पे हमने ये देखा कि जो है, अब देखिए इसके अलावा जो है हमने ये देखा कि इंडिया में तो सिर्फ एक टाइम जोन है, लेकिन और
सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो टाइम जोन है वो है फ्रांस में। और अगर मेन लैंड की बात करते हैं, क्योंकि फ्रांस में देखिए बहुत सारे आइलैंड है जिसकी वजह से वहाँ का टाइम जोन डिफरेंट रखना पड़ा और उनको जो है अलग सबसे मैक्सिमम टाइम जोन वहाँ पे, लेकिन जो अगर मेन लैंड पे देखते हैं कि वो है रशिया का है, ठीक है, इसमें 11 टाइम जोन है, ठीक है, यहाँ पे US नहीं है, रशिया है ओनली, ठीक है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर के बेस पे हम इम्पोर्टेंट MCQs क्या क्या बन सकते हैं। देखिए डे एंड नाइट जो होती है इक्वल होती कहाँ पर होती है वो सबसे ज़्यादा, देखिए इस पर क्या होता है कि डे एंड नाइट जो है इक्वली इक्वेटर पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रेट सर्किल कहाँ पे होती है, देखिए ग्रेट सर्किल की हमने बात किया था कि सबसे बड़ा जो ग्रेट सर्किल बनाती है वो है इक्वेटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि जो है जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो कहाँ से पास होती है, देखिए ग्रीनविच हमने बात की थी वो UK से पास होती है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन से स्टेट से पास होती थी, हमने बताया था ट्रिक बात की थी कि मित्र पर गमछा झाड़, तो वो हमारे देखिए इसमें बिहार और मणिपुर नहीं होता, तो ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू जो हमारे एक्सिस पास होती है, तो हमने बताया कि नॉर्थ पोल साउथ को मिला के जो एक्सिस बनती है उसको, तो ये आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए कि 66 डिग्री जो है साउथ में जो है जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, तो 66 के साउथ में उसको जो है अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, और अगर इसको हम जो है ऊपर में जाएंगे तो इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में ये कहते हैं कि जो मिड डे है जिस पे सन जो है पूरे साल में जो है पूरे ओवर रहते हैं सीधी रेखाएँ पड़ती है, उस जोन को क्या कहते हैं, उस जोन को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, राइट, आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए कि अर्थ के जो मॉडल है उसको क्या कहते हैं, पहला ही टॉपिक हमने पढ़े थे कि अर्थ के जो मॉडल को उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो भी ये इक्वेटर के पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जो है कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है, तो हमने देखा था कि ओनली वन कॉन्टिनेंट है, दैट इज अफ्रीका, ठीक है, तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, तो ये है 24 जोन में डिवाइड किया गया, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है टुगेदर अगर इस तरह से फॉर्म करती है जैसे ये, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल ग्रिड कहते हैं, ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए कि सबसे कौन से कंट्री की टाइम जोन है वो मैक्सिमम है, दैट इज फ्रांस। अभी हमने बात किया था कि जो रशिया है उसके मेन लैंड में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, लेकिन फ्रांस के जो है मैक्सिमम 12 हैं, तो ये आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से होके जाती है, मैंने बात किया था कि इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है, तो आंसर नंबर करेक्ट ए हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेज टू, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेज टू दैट मीन्स कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहाँ से होकर पास होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 82.30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सो इससे पहले हमने ऊपर देखा था जो समरी में उसमें लिखा था कि 82.20 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सॉरी, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तो इसका राइट है 82.30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु कॉइंड द वर्ड ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी का वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थिनीज, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि फ्रीज्ड जोन लाइज नियर, तो फ्रीज जोन हमें पता था कि जहाँ पे सूरज की रोशनी कम्प्लीटली नहीं पहुँचती है, तो वो जो होता है पोल्स में होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो ये था हमारा कंप्लीट MCQ समरी एंड ट्रिक्स। तो कैसा लगा ये वीडियोस, आप हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।